अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आइए, आज बार संडे, तो आज आपको पहले दरगाह शरीफ के अंदर लेके चलेंगे। पहले आपको दरगाह शरीफ ज़ियारत करवाएंगे और अंदर के मंजर आपको पहले दिखाएंगे, फिर आपको लेके आएंगे दरगाह शरीफ के बाहर, बाहर का भी मंजर आपको दिखाएंगे। तो बना रहिए वीडियो, आप लोग पूरा देखिए। चलिए कैमरा घुमाते और सीधे ले चलते आपको दरगाह शरीफ के अंदर। जी बना रही है आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आशिकाने फौजा, गरीब नमाज। आप सबको हुजूर गरीब नमाज की हाजिरी बहुत बहुत मुबारक हो। तो आइए आज दरगाह शरीफ ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांग लीजिए। तो आज पहले मैं आपको दरगाह शरीफ के अंदर लेके आया हूँ। पहले आपको दरगाह शरीफ दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, दुआ मांग लीजिए, ज़ियारत कीजिए। और अभी सुबह 9 बज रहे हैं, तो आइए देखिए सुबह 9 बजे पहले दरगाह शरीफ के अंदर जो शाहजानी मस्जिद है, मस्जिद के अंदर की मंजर कैसे माशाल्लाह देख सकते हो। अच्छा खासा जारी आप लोग देख सकते हैं। कल बाबा की छट्टी शरीफ गया, हो गया कल, और आज चांद की 7 तारीख है। तो देखिए अभी इस वक्त सुबह 9 बजे अभी शाहजानी मस्जिद के अंदर की तरफ पब्लिक है, आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए। और इधर देख लीजिए बाहर से आने जाने का 10 नंबर गेट, ये 10 नंबर गेट का मंजर आप लोग देख लीजिए। आइए आपको यहाँ से अमादर के दरबार शरीफ पर बाबा फरजे को तिला शरीफ ज़ियारत कराते, फिर आगे चलते हैं। आइए सुभान अल्लाह, ये देखिए अमादर के दरबार शरीफ आप लोग ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांग लीजिए। और देखिए आज के यहाँ मंजर कैसे, किस तरह जारी ने यहाँ पर ज़ियारत कर रहा है, देखिए। और आप भी ज़ियारत की दुआएं मांगिए। बीबी चमेली का दरगाह है, यानी हुजूर गरीब नवाज की बीबी शाबा की दरगाह, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हो। देखिए यहाँ के मंजर कैसे है माशाल्लाह। और ये देखिए बाबा फरीश को चिल्ला शरीफ, आप लोग ज़ियारत कीजिए। इधर अम्मादन का दरबार शरीफ और इधर बाबा फरीश को चिल्ला शरीफ, दोनों आसपास में है। और पीछे संदली मस्जिद के दीवार है, उधर से आपको संदली मस्जिद दिखाएंगे और अम्मादन के दरबार शरीफ भी बैक साइड के दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग बना रही है वीडियो पूरा देखिए, रोज़ की तरह आज मुकम्मल दिखाएंगे, बाहर तक ले चलेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखिए आज की ये मंजर, अभी ये बाबा फरीद साहब की चिल्ला शरीफ आप लोग ज़ियारत कीजिए। और चलिए आगे चलते हैं। और अभी दरगाह शरीफ के अंदर भीड़ कम हो चुका है, इतना भीड़ नहीं है। अभी भीड़ जो भी है शाहजानी मस्जिद के अंदर होगा। सर्दी में जितने भी पब्लिक आता है ज़्यादातर शाहजानी मस्जिद के अंदर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर धूप लगता है और बाबा के गुंबद दिखता है। तो पूरा दरगाह शरीफ में जितना जारीन रहेगा, मान लो मैक्सिमम जारीन शाहजानी मस्जिद के अंदर का को मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए मंजर कैसे, आप लोग देख लीजिए। अभी धीरे 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 ठंड बढ़ते जा रहा है, अब जब भी आप लोग आ रहा है थोड़ा बहुत गर्मी गर्म कपड़ा का इंतज़ाम करके आना। ये देखिए माशाल्लाह आप बाबा की आस्था से 4 नंबर गेट, इसी गेट से आप ज़ियारत करके बाहर आते हैं। तो इस गेट को आप ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांग लीजिए। देखिए आज यहाँ के मंजर कैसा है। आइए इस गेट के आसपास की मंजर देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अभी आप जन्नती दरवाज़ा ज़ियारत कीजिए, ये देखिए। और जन्नती दरवाज़ा को किस तरह लोग ज़ियारत कर रहा देख लीजिए, और आप भी ज़ियारत कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो बाबा के दरबार शरीफ से आप लोग दुआएं मांग लीजिए, ज़ियारत कीजिए। और देखिए आज कहां पर कितना ज़ायरीन है, कैसी आज का माहौल है। आज बार है संडे, ऐसी छुट्टी का दिन है, और अभी दिवाली का छुट्टी ख़त्म हो चुका है। ये फिर हाजिरी वाला चिल्ला रहा है, हाजिरी वाली चिल्ला रहा है। तो आइए अभी देखिए बाबा के आस्था शरीफ के अंदर दाखिल होने का 3 नंबर गेट, इस गेट को ज़ियारत कीजिए और इस गेट के आसपास की मंजर आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आइए यहाँ से बाबा के गुंबद देखिए,
आइए ये देखिए पाइथी का मंजर देख लीजिए आप लोग। अच्छा पाइथी में कवाली चल रहा था, यहाँ पर किस तरह जारिन बैठ के कवाली सुन रहा है, यहाँ की मंजर कैसे आप लोग देख लीजिए। ये देखिए सुबह 9 बज रहा है, तो आइए अभी आप पाइथी से आस्ते से जियारत कीजिए, फिर आप आगे ले चलेंगे। ये देखिए सुभान अल्लाह जियारत कीजिए, फिर आगे चलेंगे। यहाँ पर भीड़ हो रहा है थोड़ा बहुत, दुआ मांग लीजिए। चलिए चलते अब आता है उनकी तरफ, पूरा पाइथी का दिखा रहा है, दिखाकर चलते आते हैं देख लीजिए। अभी पूरा पाइथी का मंजर देखिए, फिर आप आता है उसी रास्ते से दिखाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर कब लेंगे, यहाँ पर थोड़ा बहुत भीड़ है, अगर हम वहाँ खड़ा हो जाएंगे तो अभी पब्लिक आकर मेरे पीछे पीछे खड़ा हो जाएंगे, जाम हो जाएंगे रास्ता, इसलिए आप लोग देख लीजिए। चल रहा हूँ आगे, आप लोग देख लीजिए, देखिए माशाल्लाह आज पाइथी का नज़ारा, और आता है उनका लंबा लाइन देख रहा है आज। ये देखिए आता है का लाइन यहाँ तक आ गया, ये देखिए। चलिए यहाँ से गुम्बज दिखाते हैं, फिर आपको आगे ले चलते आता है उनकी तरफ। ये देख लीजिए बाबा के गुम्बज जियारत कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, जैसे आपको एक बार पाइथी का नज़ारा दिखा देते हैं। चलिए अब चलते हैं आतानूर की तरफ, आतानूर का लाइन आज यहाँ तक आ चुका है, देख सकते हैं सुबह 9 बजे। चलिए आपको आगे ले चलते हैं आतानूर के अंदर, गला जाम हो रहा बार बार सुबह अल्लाह। ये आतानूर में मैं दाखिल हो गया हूँ, और दाखिल होने के बाद ये देखिए मंजर आतानूर का देख लीजिए माशाल्लाह। आतानूर में भी कवाली चल रहा है, तो आइए अभी आप आतानूर से आस्ते सिर्फ जियारत कीजिए, फिर आप आगे ले चलेंगे। आइए सुभान अल्लाह जियारत कीजिए, दुआएं मांगिए। देख लीजिए आप लोग, ये देखिए लंबा लाइन आपको दिखाते हुए लेके आया हूँ, दोबारा मैं हाथ उठा कर जूम करता हूँ, आप लोग देख लीजिए दुआएं मांग लीजिए रास्ता से। देखिए आज का मंजर कैसे माशाल्लाह देख सकते हैं, देखिए आइए चलिए आगे चलते हैं, बना रही है आप लोग। अबे बेटा ये रहा तू कहाँ जा रहा, ये रहा तेरे सब हाथ उठा के मारो। देखो कवाली का टीम चेंज हो रहा है, देखिए अभी कहाँ पर कितने जाइन बैठ के कैसे लोग दुआएं मांग रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। आइए यहाँ से आता है उसी बाबा का गुम्बद तरह की, फिर आगे चले गए। चलिए अब बाहर निकल गया हूँ, बाहर का मंजर आप लोग देख लीजिए।
ये देखिए अम्बाजन का दरबार शरीफ बैक साइड है, आप इधर से भी ज़ियारत कीजिए। और ये देखिए संदली मस्जिद, मंजर देखिए अंदर की। चलिए और आगे चलते हैं। ये देखिए माशाल्लाह वजू खाना की मंजर देखिए, आज कितने लोग वजू बना रहे हैं यहाँ पर, यहाँ की मंजर कैसे है आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। पूरा वजू खाना की मंजर आप लोग देख लीजिए, इधर बुलंद दरवाजा, ये आसपास की मंजर देखिए आप लोग, ये बाहर से आने जाने का 3 नंबर गेट, लंगर खाना गेट देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। और ये देखिए बड़ी देग के ऊपर का मंजर देख लीजिए, बड़ी देग है। और इधर देखिए जब छोटी देग, ये देखिए और ये देखिए जो जायनवाज बिछा हुआ, यहाँ लोग चप्पल जूता रखते हैं, इसलिए यहाँ जायनवाज बिछा दिया ताकि लोग चप्पल ऊपर ना रख पाए। ये बुलंद दरवाजे के नीचे का चलफल, इधर भी देखिए जायनवाज लगा दिया ताकि यहाँ पर लोग जूता चप्पल रखता जगह गंदा होता है, इसलिए देखिए यहाँ पर भी जायनवाज बिछा दिया। जूता चप्पल आप लोग अंदर लेके ना आए, बाहर टोकन की साथ रखा जाता है, वहाँ पर बाहर रख के टोकन लीजिए। चलो चलो इधर से देखिए बाबा के गुम्बद छा देंगे। बहुत सारा जाने क्या करता है, जूता चप्पल अंदर लेके आ जाता है, लेकिन जूता चप्पल अंदर लेके नहीं आना आप लोग। जब भी आना जूता चप्पल जो है एक तो घर में छोड़, होटल में छोड़ के आने की कोशिश करना। अगर आप लेके आ भी गया तो मेन गेट के बाहर, अपना हर गेट के बाहर जूता चप्पल रखने वाला मिलता है, वहाँ पर आप जूता चप्पल रखिए और अपना एक टोकन ले लीजिए, लेकिन फिर आप दरगाह सेफ करना। ये देखिए जूता चप्पल अंदर लेके आए लेकिन कहाँ रखेंगे, रखने का जगह नहीं। ये देखिए लोग लेके ये घूम रहे हैं। ये देखिए बाहर से आने जाने का 2 नंबर गेट, 2 नंबर गेट के मंजर देखिए। और ये बुलंद दरवाजे के नीचे का चलफल, और इधर देख लीजिए अकबरी मस्जिद, और अकबरी मस्जिद के यहाँ पर भी जायनवाज बिछा हुआ देख रहा आप, इसलिए तो यहाँ पर भी लोग जूता चप्पल से भर देता है, पूरा दरगाह शरीफ गंदा हो जाता है, इसलिए इधर भी जायनवाज बिछा दिया है। तो आप लोग ध्यान रखिए, जब भी आप लोग आते हैं तो अपना रूम पे जूता चप्पल छोड़ के आना। अगर आप पहन के आ भी गए हैं तो हर गेट के बाहर जूता चप्पल रखने वाला मिलता है, वहाँ जूता चप्पल रखिए, एक टोकन ले लीजिए और फिर आप दरगाह शरीफ ज़ियारत कीजिए, घूमिए फिरिए, फिर जाते वक्त टोकन दिखा के अपने जूता चप्पल ले लीजिए। ये देखिए जब भी पैसा लगता है वो आप लगा दे रहा ताकि दरगाह शरीफ के अंदर लाके आप गंदा मत करना। ये देखिए बाहर से अंदर दाखिल होने का मेन गेट के मंजर आप देख लीजिए, निज़ाम गेट बाहर से अंदर दाखिल होने का, और निज़ाम गेट से दरगाह बाजार के मंजर आप लोग देख लीजिए। इधर देखिए आप रेलवे स्टेशन से आने जाने का तो रास्ता नाला बाजार की मंजर देखिए। जब और इधर देखिए ढाई दिन का झोपड़ा तारागढ़ जाने वाला रास्ते की मंजर देख लीजिए आप लोग। ये देखिए सब्जी का टेम्पो जा रहा है, सब्जी भरा हुआ है। ये देखिए दरगाह बाजार की मंजर देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा।
सुभान अल्लाह। ये देखिए दरगाह शरीफ का मेन गेट, इसी गेट से आज आपको बाहर लेके आया हूँ दरगाह शरीफ ज़ियारत करवाते हुए और अंदर की माहौल दिखाते हुए। तो बने रहिए आप लोग, तो इसी वीडियो में हम यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दे दीजिए हम इजाज़त, अब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हुजूर गरीब नवाज की हाजिरी बहुत बहुत मुबारक हो।